स्टार्ट हो गया लाइव और लोग जुड़ रहे हैं हम लोगों से। छोटे खेसाल लाल, आई एम अंकुश, गौरव जायसवाल जी, डायरेक्टर रजनीश भैया जुड़ चुके हैं हम लोग से। स्वागत है रजनीश भैया आपका भी। विवेक सिंह, मुस्कान खेमू जी जुड़ चुके हैं। प्रिंस दुबे जी जो बहुत हिंदी फिल्मों के गीतकार हैं वो भी जुड़ चुके हैं मुझसे। सुभी शर्मा, भोजपुरी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री जी भी जुड़ चुकी हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आप सबों का भोजपुरी की बात निशांत के साथ। और जिस तरह से आप लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को अपना प्यार दुलाल दिया है और बहुत से सजेशंस मुझे मेरे दोस्तों के आए हैं, क्वेश्चंस भी आए हैं काफ़ी पत्रकार मित्रों के, तो उससे मेरे अंदर भी उल्लास आया कि इसको और बड़ा किया जाए। और हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में पहले भोजपुरी के दो बड़े सुपरस्टार लवी किशन भैया और दिनेश यादव निरहुआ जी से बातचीत की और लोगों को काफ़ी पसंद आया। आम्रपाली दुबे जी भी जुड़ गई हैं हम लोग के साथ इस लाइव सेशन में, तो लोगों को काफ़ी पसंद आया। और भोजपुरी के एक और स्तंभ और ऐसे शख्सियत से मैं आज आपको मिलाने वाला हूं जिनके बिना भोजपुरी के तीसरे दौर की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भोजपुरी का जो तीसरा दौर हम लोग देख रहे हैं उसकी कल्पना भी उनके बिना नहीं की जा सकती थी। उनका नाम बताने के पहले मैं उनको जोड़ूंगा तो दर्शकों, तब तक मैं आप लोगों को सभी दोस्तों बताना चाहूँगा कि अभी ये जो कोरोना पीरियड में जो थोड़े बहुत छूट हम लोग को मिली है तो उसको बहुत ही सावधानी से उसका लाभ उठाएं और जहाँ ज़रूरत हो वहीं घर से बाहर निकले, क्योंकि अभी लगातार कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं और मजदूर लोगों का भी आना जारी है। तो जितनी सावधानी आप रखेंगे उतना अच्छा होगा, जहाँ सावधानी हटेगी दुर्घटना घट जाएगी। तो ये सरकार हमें जो थोड़ी बहुत सुविधा दे रही है उसका लाभ उठाएं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से ही अपने। तो हम लोग बहुत जल्द अभी जो हम लोग के आज के अतिथि मेहमान उनको जोड़ेंगे इसमें और उनसे ढेर सारी बातचीत करेंगे भोजपुरी सिनेमा को लेके। और सहर आपसा जी भी जुड़ चुकी हैं हम लोग से, मेहदी लगा के रखना 3 की नायिका, और काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं मेरे दर्शक। सबसे अच्छी बात क्या है मेरे कार्यक्रम की कि मुझे भोजपुरी के जितने कलाकार बंधु हैं और जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं उन लोगों का काफ़ी साथ मिलता है। देखिए दिनेश लाल यादव निरहुआ भैया भी जुड़ गए हैं, उनका भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार निरहुआ जी, उनका मैसेज ऑल द बेस्ट, धन्यवाद भैया। और मनोज भैया के बाद और अभी हम लोग जुड़ते हैं, देखते हैं कि रिक्वेस्ट हमारा नहीं अभी नहीं आया है तो बातचीत करते हैं। और मुझे लगता है कि एक दो मिनट में हम लोग जुड़ जाएंगे अपने आज के अतिथि मेहमान से और फिर हम लोग आज बातचीत करेंगे भोजपुरी की जो भी ढेर सारी बातें हम लोग करनी है, बातचीत हम लोग का शुरू होगा। और बताइए आप लोग कैसे हैं और लॉकडाउन में आप लोग अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं। अभिषेक, माधो सिनेमा मोतिहारी के मालिक अभिषेक गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं हम लोग के साथ। सुजीत कुमार मंडल जी, कुंदन जी, भोजपुरिया स्टाइल ऑफिशियल, लगातार लोग जुड़ रहे हैं। और आप लोगों के प्यार का बदौलत मैं ये शो हर फ्राइडे को करता हूँ 5 बजे और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। अरुण 81 जी ज्वाइन हो चुके हैं। लॉकुस 414, सुनील प्रजापति पुष्प जी भी आ चुके हैं और लिख रहे हैं सुपर भैया ऑल द बेस्ट। पूजा तिवारी ऑफिशियल जी भी आ चुकी हैं, विवेक सिंह जी भी आ चुके हैं, सब काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं हम लोग से लाइव सेशन में। अनिल कुमार मौर्या जी, गेस्ट को हम लोग जोड़ते हैं अपने। तो हम लोग के जो गेस्ट हैं वो अचानक से एक पीसी आ गई है उनकी, तो 4-5 मिनट में वो जुड़ेंगे हम लोगों से। कोई नहीं, तब तक हम लोग बातचीत करेंगे और भी लोगों से। द्विवेदी नीलेश जी भी जुड़ गए हैं, जयप्रकाश जी, करणलाल सिंगल जी सब लोग जुड़ गए हैं, प्रदुमन सहनी जी जुड़ गए हैं, पंकज दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, राहुल बलवान जी, रामदयाल मुंबई जी भी जुड़ चुके हैं, ऋषिका जी भी जुड़ चुकी हैं, कुंदन 9427,
काफ़ी लोगों का है कि पवन जी के साथ भी लाइव है। हाँ भाई, धीरे धीरे लेकर हम सबके साथ लाइव आ रहे हैं, और हम लोग का गुरफान अली भी जुड़ चुके हैं, खुशबू तिवारी जी। यही उद्देश्य है कि हम लोग एक एक करके सभी जो भोजपुरी के कलाकार हैं, और उनसे जो लोग भी, आप लोग सिंह अक्षरा, अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार अभिनेत्री भी जुड़ चुकी हैं हम लोग से इस लाइव सेशन में। तो आज हम लोग के जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, वो काफ़ी व्यस्त, मतलब मस्तिष्ला जी नमस्ते, काफ़ी व्यस्त रहते हैं, और उन्हें अपनी व्यस्तता में समय समय दिया, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। तो अभी अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कुछ पत्रकारों से बातचीत में है, मुश्किल से 2-4-5 मिनट में वो हम लोग को ज्वाइन करेंगे। हाँ, दिनेश भैया लिख रहे हैं, गाना सुनाइए। भैया मैं तो गाना आप लोग का खाली सुनता हूँ, मैं कहाँ से सुना पाऊँगा। थैंक यू अक्षरा जी, ऑल द वेरी बेस्ट आपने लिखा है, उसके लिए धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा हूँ, नवदीप मौर्य जी। जी जी, हर्ष दुबे जी, बिल्कुल पवन जी से ही बातचीत करेंगे, बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द जी। देवेंद्र गुप्ता जी भी आ चुके हैं हम लोग के साथ। जी 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 तो आज हम लोग जिस गेस्ट को बुलाने जा रहे हैं, वो भोजपुरी फिल्मों के तीसरे दौर की जो कल्पना है, वो बिना मनोज तिवारी जी की नहीं की जा सकती थी। मनोज तिवारी जी के अथक प्रयासों से ही ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हुई कि आज हम लोग जिजल देख रहे हैं भोजपुरी का बोलवाला है। तो मनोज भैया, एक अचानक से उनका जो एक इंटरव्यू आ गया, क्योंकि मनोज भैया के ऊपर जानते ही आप लोग, काफ़ी जिम्मेवारी है, वो देश के प्रसिद्ध राजनेता में से एक हैं, तो उसमें हैं। जैसे ही वहाँ से वो मतलब करके वो हमारे साथ ज्वाइन होंगे, वो कोरोना संबंधित पीसी में, अचानक दिल्ली में जान ही रहे आप, कोरोना के काफ़ी सारे मरीज हैं, तो कोरोना संबंधित पीसी अचानक हो गई, उसमें वो मनोज भैया हैं, और लगातार हम लोग जब तक भैया आएंगे तब तक आप गाइए, हम लोग को कुछ इंटरटेन कीजिए। दिनेश भैया, मैं क्या इंटरटेन कर सकता हूँ, मैं बातचीत ही कर सकता हूँ तब तक, और तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, बातचीत ही कर सकता हूँ। दरअसल अचानक मनोज भैया का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लाइनअप हो गया, और लगातार उनके सहयोगियों से हमारी बातचीत चल रही है। बहुत जल्द मनोज भैया ज्वाइन हो गए हैं, और मुझे लगता है कि अब बहुत जल्द हम लोग मनोज भैया को, रिक्वेस्ट मनोज भैया का, मनोज भैया का रिक्वेस्ट के हम लोग वेट कर रहे हैं, भैया का रिक्वेस्ट है। और कुछ ही पलों में मनोज भैया से हम लोग बातचीत करेंगे। भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रशांत, मुझे 2 मिनट और चाहिए, मैं बस गाड़ी से उतरने वाला हूँ, जी तो भैया उतर के बैठ जाऊंगा। ठीक है भैया, ठीक ना, तो मैं आपको 2 मिनट। जी भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया हम लोग के इस कार्यक्रम में, भोजपुरी की बात निशान के साथ में, और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका भैया कि आपने अपने व्यस्त समय में से भोजपुरी सिनेमा पर बात करने के लिए इतना समय दिया। और तो भैया, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, और काफी भोजपुरी के जितने हम लोग के अभिनेता हैं भैया, वो सब लोग जुड़ चुके हैं, दिनेश भैया भी जुड़ चुके हैं इस लाइव सेशन में, काफी अक्षरा जी, अमलपाली जी, सब लोग जुड़े हुए हैं, और सब लोग देखेंगे और कुछ, ये सब लोग भी जुड़े हैं। जी भैया, सब लोग भी जुड़े हैं। दरअसल इस कार्यक्रम को भैया भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों के लिए ही ये कार्यक्रम ज्यादातर है, फैंस और फॉलोअर भी देखते हैं इंडस्ट्री, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री की ही बात करते हैं, और जो इंडस्ट्री आपने अपने अथक प्रयासों से खड़ा किया उसके बारे में बातचीत करते हैं। अरे धन्यवाद धन्यवाद, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बाकी लोगों को हम देखेंगे कैसे, देख नहीं सकते हैं? नहीं भैया, इसमें इंस्टाग्राम में 2 ही लोग ऐड होते हैं, बाकी लोग ऐड नहीं होते, सिर्फ 2 लोग ही ऐड होते हैं, तो वो लोग जो जो कॉमेंट करेंगे नीचे लिखेंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा, और वो जो सवाल जवाब है आपसे हम लोग करते रहेंगे, बीच बीच में लोगों का सवाल जवाब। अक्षरा जी आपको प्रणाम बोल रही है। अक्षरा खुश रहा, खुश रहो बाबू। अक्षरा कहाँ है, बॉम्बे में है कि पटना में है? पता नहीं भैया, शायद पटना में है। अच्छा जी
और दिनेश कहाँ है? दिनेश तो दिनेश मुंबई भैया है। बॉम्बे में। जी भैया दिनेश भैया अमनपाल जी सब लोग बॉम्बे में है। दिनेश भैया ने लिखा भैया प्रणाम, आपको प्रणाम किया हाँ दिनेश बाबू, भैया ने। खूब खुश रहा, खूब खुश रहा, पढ़ लेनी हम। हाँ तो भैया हम लोग चालू करें आज का सेशन। हम लोग चालू कर सकते हैं। जी भैया वैसे हम अपने घर के बाहर, गाड़ी में से आवाज सही आ रही है? हाँ आ रही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लोग भी सुन रहे हैं तो हम लोग बातचीत करते हैं। तो सुनो भैया, भैया हाँ बिल्कुल भैया, आपने अपने व्यस्त समय में से इतना समय दिया उसके लिए मैं काफी धन्यवाद करता हूँ आपका। ऐसे तो भैया आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आपने भोजपुरी सिनेमा का एक समय एक दौर लाया है जिससे भोजपुरी को लोग आपके थ्रू जानते हैं, मतलब मनोज तिवारी मतलब भोजपुरी लोग समझते हैं आज भी। जब भी आप भोजपुरी के एक आइकॉन है, और जब भी हम लोग बाहर विदेशों में या नॉन भोजपुरी स्पीकिंग लोगों के पास जाते हैं तो जब भी भोजपुरी की बात होती है तो वो बोलते हैं भोजपुरी मतलब मनोज तिवारी, फिर कुछ हद तक लोग बोलते हैं भोजपुरी रवि किशन। तो आप दोनों भोजपुरी की पहचान है, आपने एक लंबे समय तक भोजपुरी फिल्मों में काम किया और एक से एक बढ़कर सुपरहिट फिल्में दी, आपने कई उतार चढ़ाव देखे भोजपुरी सिनेमा से, और अब आप दिल्ली में मेरा भारतीय। घर आ गया, जी जी भैया, मेरा घर आ और आप गया। बिल्कुल बिल्कुल इस माध्यम से लोग आपका घर भी देख रहे हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सुशोभित हैं, सांसद हैं, और यह हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे फ्रेटर्निटी से भोजपुरी सिनेमा से जुड़े व्यक्तित्व इतनी ऊंचाई पर हैं। और आपका अनुसरण करते हुए हमारे सभी स्टार रवि किशन जी, दिनेश यादव निरहुआ जी, पवन सिंह जी पॉलिटिक्स से जुड़े हैं और इसी पार्टी में। जी, मुझे ये जान के, ये हमारा जान के बहुत अच्छा लगा था कि सब कोई जुड़ल बात। दिनेश के भैया के प्रणाम हम पढ़ ले बानी। और जी देखा, ये तो बात सही बा कि हमनी से कुछ शुरू भइल होई, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बाटे समय जी जे जी आज भोजपुरी के चला रहल बा। बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल भैया, उन तो लोग का भी सबका भैया है। आपके आपने जो एक प्रयास एक जो वृक्ष लगाया उसको लोगों ने अपने प्रयास से और धीरे धीरे उसको उसमें पानी डालते रहे जिससे इंडस्ट्री आज की डेट में काफी अच्छा अच्छा घर पहुंच गए भैया आप, हाँ, घर घरे पहुंच पहुंच गए। गए नहीं भैया? हाँ, जी 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 एकदम घरे भैया, पहुंच गए। जैसे जी भैया, तो हम लोग भैया कुछ क्वेश्चन सेंसल से डिस्कशन करेंगे आपसे। मनोज तिवारी का जैसे ही नाम आता है भैया तो 2003 2004 के समय में। हम जी एक भैया मिनट जरा दूसरे पे आ जाते हैं। डिस्कशन करेंगे आज। मनोज तिवारी का जैसे ही नाम आता है भैया तो 2003 2004 जी भैया हो गई। हाँ भैया हो गए ठीक है भैया। जैसे मनोज तिवारी जी का जैसे ही नाम आता था 2003 2004 के समय में तो लोग बगल वाली जान मान ली, रिंकिया के पापा और जो मनवा वो जो आपके भक्ति गाने होते थे शीतला माता के भजन उनसे कनेक्ट करते थे, और उत्तर प्रदेश बिहार और जितने भी भोजपुरी बेल्ट हैं उसमें कहीं भी आपके गानों की काफी लोकप्रियता होती थी, बतौर लोक गायक बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। तो ऐसा क्या हुआ कि आप अभिनय अभिनय में आ गए और ससला वाला पैसा वाला से आप बतौर अभिनेता भोजपुरी फिल्मों में पदार्पण कर लें? या आपके दिल की कोई भावना थी या आपके दिल की कोई भावना थी या किसी ने आपके सामने ये प्रस्ताव लाया, ये दर्शकों को बताएं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप किए, जी क्योंकि हम लोग जब गाना गाना शुरू किए तो उस समय एक दौर था जिसमें भरत शर्मा जी बहुत लोकप्रिय थे। जी भरत शर्मा जी, मुन्ना सिंह जी, जिन्होंने जी गाना गाया नथुनिया पे गोली मारे, सैया हमार जी जी हो, जी जी और उस समय शारदा दीदी का तब भी स्थान था। तो हम लोग अचानक से, लगता ही नहीं था कि हम लोगों को भोजपुरी में कभी ऐसा भी स्थान मिल सकता है। हम BHU में पढ़ते थे जी जी तो कोशिश करने लगे,
और आज जो लोग सुन रहे होंगे तो मैं उनको बताऊं कि हमको तो 4 साल रगड़ना पड़ा, 4 साल। मैं 92 में पहली बार जब ग्रेजुएशन कर लिया बीएचयू से, तो जी हमको लगा कि अब नौकरी वोकरी कुछ मिल नहीं रही थी, और मैं कभी कभी गाना गाता था, ताली बजती थी, तो लगा कि यार मैं भरत शर्मा जी के सामने ही मेरा परिचय हो गया। वो टी सीरीज में उस समय हम लोगों का एल्बम आ गया, जी और अशोक कुमार दीप जी मिल गए। जी दीप जी याद है ना, हाँ, दीप मोहम्मदावादी जी। तो दीप मोहम्मदाबादी जी। फिर मैंने देखा कि भोजपुरी श्रोताओं की बड़ी संख्या है, जी श्रोता लोग बहुत थे, दर्शक कितने थे मुझे नहीं पता चलता था, श्रोता बहुत थे। और भोजपुरी के श्रोता बहुत ज्ञानी श्रोता हैं, आप एक लाइन कहिए तो उसका वो बहुत अर्थ लगाते हैं, जी और जी आज जी भी है। बहुअर्थ लगता है। तो भले उनको लिखना नहीं आता हो, भले उनको कविता की जानकारी न हो, लेकिन क्या अच्छा लग जाएगा उनको, और किसका मीनिंग क्या वो सोच लेंगे, कितना बड़ा। ये भोजपुरी की बहुत बड़ी मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि पहचान है। जी इसी कारण कभी कभी जब हम फिल्म बनाते हैं ना, तो जी फिल्म में जो हम दिखाते हैं गाने का मतलब, भोजपुरी की जनता उससे भी ज्यादा सोची रहती है। जी तो कई बार उसको जो फिल्म बनती है लगता है इतना ही नहीं, ये तो ठीक नहीं है, इससे बहुत ऊपर का होना चाहिए। बिल्कुल और दिनेश भी इससे एग्री होंगे, जी हालांकि दिनेश और आजकल के जो हमारे जितने कलाकार लोग हैं, चाहे वो खेसारी हो, चाहे पवन जी हो, चाहे आगे भी हमारे सब नए लड़के भी आए हैं ना, जी 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 भैया रितेश रितेश जी पांडे जी भी है, जी भैया रितेश पांडे, और भी लड़कों लोगों को हाँ, देखा। कल्लू कल्लू प्रदीप पांडे, चिंटू चिंटू भी है। हाँ, हाँ, प्रदीप पांडे, हाँ, वो उनका राजकुमार जी का लक्ष्मण लड़का। जी बेटा। जी, तो हम लोग गाना गाते गाते, देखो हम 96 में हम लोग एल्बम से हिट हुए, और 96 के बाद 2003 में हमको सुधाकर पांडे जी से भेंट हुई। सुधाकर पांडे जी जहां भी हैं, उनका जी, जितना भी एहसान माना जाए कम बिल्कुल, है। भोजपुरी सिनेमा जो भी है अभी, उसमें उनका काफी योगदान है। हाँ, मुझे वो दिन याद है, दिनेश बाबू भी सुन रहे हैं और सब अक्षरा सुन रही हैं, सब काफी कलाकार लोग हैं, और जी जी हमारे भगवान दर्शक लोग भी सुन जी रहे जी हैं। जी 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 भैया मैं जिससे बात कर रहा हूँ प्रशांत, तो प्रशांत को याद कर रहा हूँ तो निशांत भी याद आता है, जी जी भैया निशांत को याद करके मन भी एकदम जी जी से भैया भारी हो। जी जी भैया तो भैया, तो मतलब सुधाकर पांडे जी ने आप में अभिनय अभिनेता देखा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने देखा। हम लोग तो गांव में रामलीला में या नाटक करते थे, जी छुट्टियों में आते थे तो एक उत्सव होता था, बिल्कुल बिल्कुल तो उसमें अपनी प्रतिभा जितना हो सकता था लगाते थे, जी, और हम लोग उसके गांव में अलावा तो सब होते थे, डायरेक्टर भी खुद होते थे और राइटर भी हाँ खुद हाँ होते थे। सब कुछ खुद ही करे पलते। तो उस फिल्म का सफलता खूब चला, उसके बाद लगातार आपके यहाँ फिल्मों की झलक लग गई। ससुरा तो कई सिनेमाघरों में गोल्डन जुबली तक मनाई, और उस फिल्म ने बताया कि फिल्मों का, भोजपुरी फिल्मों का व्यवसाय भी हो सकता है। भैया, जैसे आप हीरो बने तो एक क्ले एक जी निशान, भैया एक प्रशांत, जी एक चीज भैया मैं बताऊंगा कि ये मैंने आज तक किसी को बताया नहीं, कि जब सुधाकर पांडे जी और अजय सिन्हा जी मेरे जी पास जी आए, बनारस मिलने आए थे, जी जी तो मैंने उन लोगों को ना कर दिया था, उनको हमने मना कर दिया था। हमने कहा भैया आप टाइम मत वेस्ट करें, अरे क्योंकि वाह, उन्होंने कहा 15 दिन के लिए 1 लाख रुपया मिलेगा, 1,11,000। जी जी तो उस समय हम लोग भोजपुरी से एक दिन में 1 लाख 1.5 लाख रुपया मिलता था, सोज का, दो सोज तीन करने। दिन। जी, तो मैं ना कर दिया, भैया लोग चले गए, लेकिन जी सुधाकर पांडे जी और अजय सिन्हा जी दोनों लोग बार बार मुझे नॉक करते रहे, नॉक करते रहे,
और फिर मैंने फिल्म किया तो ये याद आता है कि अगर सुधाकर भैया नहीं बार बार प्रेशराइज करते, या अजय सिन्हा जी, जी उन्होंने मुझे बार बार कहा तो भोजपुरी सिनेमा तो दूर दूर तक कुछ था ही नहीं, बीस हाँ नहीं पच्चीस साल कोई हमारी गैप बिल्कुल था, बिल्कुल और जिस तरह लोगों का 2003 तक हम लोगों को प्यार मिलने लगा था तो वो बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो बिल्कुल ये याद रखना चाहिए कि अगर इस फेज में ससुरा बड़ा पैसा वाला, या मनोज तिवारी, या वो जो भी रानी चटर्जी, अजय जी सिन्हा, ये इसकी बात याद आएगी तो हमें सुधाकर पांडे जी को और अजय सिन्हा जी को जरूर याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल भैया, जैसे आप अभिनेता बने तो एक क्लाइंट भी आपने अपने साथ एक हाईवे खड़ा कर दिया आपने कि गायक जो है वो अभिनेता बन सकते हैं, और अब उसके बाद क्या हुआ कि लोग गायक ही बनते थे कि मैं अभिनेता बनूं हीरो बनूं, तो इससे क्या हुआ कि जो काफी प्रतिभाशाली कलाकार होते थे जो NSD में ट्रेनिंग करके या एक्टिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करके आते थे वो भोजपुरी पर्दे पर नहीं आ पाते थे, और उनके चल उसके चलते काफी अच्छे अभिनेता जिस तरह आज हमारे बिहार यूपी के ही काफी कलाकार पंकज त्रिपाठी जी, मनोज वाजपेयी जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी और संजय मिश्रा सहित कई आर्टिस्ट जो हैं वो जिस तरह सिनेमा को और बड़ा बना सकते थे उन्हीं, इस पर आप क्या कहेंगे जो ट्रेंड है कि गायकों को ही भोजपुरी फिल्मों में अभिनेता बनने का अवसर मिलता है, जो ट्रेंड आपके फिल्मों से ही चालू हुआ, आपने ही चालू किया? देखिए, खाली गायक बनने से कोई एक्टर तो नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर एक्टिंग की क्षमता ना हो। जी 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 तो इन जितने सिंगर हैं, वो ये जरूर है कि वो पहले सिंगर हिट हुए, जी बाद में एक्टर हिट हुए, लेकिन हाँ उनकी एक्टिंग क्षमता को हमें दाद देनी पड़ेगी। जी और देखिए, एक बिना किसी ट्रेनिंग के अचानक कैमरा फेस किया और सफल हाँ फिल्में दे देना, हाँ तो एक बार तो जो लोग बहुत सीखे हुए हैं उनको भी हाँ एक बार देखना पड़ेगा कि भाई ये कौन से स्कूल से पढ़े। अगर उस स्कूल का पता करेंगे तो वो रामलीला स्कूल है, ग्रामीण स्कूल है, बिल्कुल ग्रामीण रंगमंच ने हम लोगों को सिखाया। वही दिनेश के साथ भी है, वही पवन पवन जी के है, साथ खेसारी है, खेसारी तो वो नृत्य में भी था पहले, तो रवि भाई तो एक रवि ही ऐसा हम लोगों को मिला जो कि वो एक्टर से सिंगर बनने की कोशिश करने लगा। हाँ वो कभी कभी एगो निबुआ दो चार लोगो मिर्ची अपने प्रमोशंस में गाते थे हाँ अरे वो गा देंगे तो हम लोगों का सुर लगाना मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल वो तो अपने तरह का बिल्कुल अनोखा सिंगर है। बिल्कुल भैया उसने तो आप रवि के साहस को, और रवि के मतलब जैसे उनके समय में चाहे हम आए हो, दिनेश आया हो, ये लोग जो सिंगर सिंगिंग तूफान बन के आए, हाँ हो खेसारी हो, तो इसके सामने रवि जिस तेवर से खड़ा रहा, रवि हाँ के तालियां बजानी पड़ेंगी। वो उस आदमी बिल्कुल ने कभी बिल्कुल भी बिल्कुल भैया, आपकी जैसे काफी फिल्में आई, ससुराल वाला पैसा वाला, दरोगा बाबू आई लव यू, बंधन टूटे ना, देहाती बाबू, ये सब फिल्में काफी चली। इन सब फिल्मों में एक चीज कॉमन था कि भोजपुरीपन होता था। आगे की जो फिल्में आपकी ही आई या किसी और की भी हीरोज की आई, उसमें जो ओरिजिनल वैल्यूज होते थे वो नदारद हो गए और फिल्में आधुनिक बनने लगी, फिल्में हिंदी की कॉपी बनने लगी। आज भी साउथ में और पंजाबी फिल्मों में ओरिजिनल एसेंट होता है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसका खामियाजा भी हम लोगों को भुगतना पड़ा है, जी क्योंकि मैंने शुरू में कहा ना कि भोजपुरी का जो दर्शक है वो हिंदी सिनेमा भी देखता है। जी जी बिल्कुल अगर बिल्कुल भैया फिल्म सुपर हिट हुई है, और यूपी बिहार में अगर वो हिट नहीं हुई तो सुपर हिट नहीं हुई, चाहे कोई नहीं फिल्म है, हो। जितने भी सितारे हिंदी में विराज करते हैं वो बिहार यूपी से ही, वो राजनीति का स्टारडम हो या फिल्मों का, बिहार यूपी से ही जाता है रास्ता। हिंदी सिनेमा का बिहार, यूपी, झारखंड में आज उनको लोगों का दिल छूना पड़ेगा। इसका बिल्कुल बिल्कुल मतलब है कि दर्शकों को वो सब कुछ पता है, तो उस सब कुछ पता होने के बाद अगर उस मानक का उनको चित्र नहीं मिलेगा, फिल्म नहीं मिलेगी, तो ज्यादा कुछ कहेगा नहीं, बस ये अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं हाँ आएगा।
तो ऐसे कह के वो तो देखो, सिनेमा हमेशा जो अखबार और टीवी के प्रमोशन से ज्यादा माउथ प्रमोशन से चलेगा। माउथ पब्लिसिटी से चलता है जी भैया, बिल्कुल तो माउथ पब्लिसिटी तबे हुई जब पब्लिक के मजा आया, जी। लेकिन वो फिर से वो टिकट खरीदे के कोशिश करी। भैया तो तो आधुनिक फिल्म काहे बने लगा, जब गवई भाषा के फिल्म उसमें आधुनिकता आ गई, हिंदी फिल्म, हिंदी स्टाइलडम, हिंदी तरह से शूट करना, मतलब फिल्मों का कंटेंट, शूटिंग तो टेक्नोलॉजी होना जरूरी है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये करा पर काम नहीं भेल। भोजपुरी सिनेमा जल्दी जल्दी बने लागल। भोजपुरी सिनेमा अगर हम दूसरा के नहीं दोष दे, हाँ हमी जब जब हम फिल्म स्टार बननी तो आज हम बहुत सच्चाई से स्वीकार करल चाहतनी, जी भैया, पैसा इम्पोर्टेंट रहे। हाँ, पैसा मिल गए, अब एक संगे 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया कहाँ देखनी जाए। तो एगो आज हमें थोड़ा संगे सच्चाई स्वीकार करतनी, बहुत बड़ा बड़ा हमार भाई और साथी जी लोग बाटे, जी जी भैया, पैसा मिल जाए फिल्मों कैसनो बने, तो बिल्कुल एकरा से नुकसान भाई। एकरे बाद प्रोड्यूसर के जाए मत दो, आगल तो कैसे ही फिल्म बना ले, ओके बात कैसे बना दो। पैसे तो ही। एकरा में अगर आए दिन में जैसे फिल्म के स्टैंडर्ड सुधरल बा, फिल्म के मेकिंग सुधरल बा, लेकिन फिल्म के आत्मा ना भइला के कारण ही कोनो ऊपर नीचे होत हो, हमारे ऐसा अनुमान बाटे। बिल्कुल हमहू आज अगर अपन सिनेमा देखे शुरू करी ना, तो हम पूरा पिक्चर नहीं देख सकीला, कोनो आई बात सीन देखो। जी। काल हम धरती पुत्र के एगो सीन देखत रहनी, जब हम घोड़ा पर टीनू वर्मा के घोड़ा से पकड़ा तानी, जी का शूटिंग कैले बाटे, कितना बढ़िया शूटिंग, बिल्कुल और कुछ सीन तो एकदम रुला देत बाटे। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन पूरा फिल्म में फिर अचानक ऐसा आइटम सॉन्ग आ जाए कि मन ही खराब हो जाता है। तो आइटम सॉन्ग भी, अब जैसे कि आइटम सॉन्ग जब लगा लगा रे नमक नमकेश, ये तो आइटम सॉन्ग तो यो रहे उसका क्लासिकल नहीं हो पाया भैया, जो मतलब बिहार लूटने, ये भी तो कहीं ना बिल्कुल कहीं ना हम खुदे अपना आइटम सॉन्ग के भोड़ा बना दे। ओकरा में हीरो के ज्यादा चलन नहीं, क्योंकि आइटम सॉन्ग में तो विलेन रहेला ना भाई। हाँ बिल्कुल 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 तो ओकरा पर देखो, एकरा में कोई एक आदमी के दोष नहीं दिया जा सकेला, जी, एक्टर से लेके प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्टर तक सबका जगह पे थोड़ा थोड़ा गलती भइल बाटे। भोजपुरी सिनेमा के अभी भी बड़ा आसमान खाली बा, बिल्कुल बिल्कुल भैया भोजपुरी सिनेमा के बड़ा आसमान खाली बा। छोटा छोटा वीडियो मिलियन लोग देख लेता मर्दे, तो जी सिनेमा बिल्कुल, का कहीं नहीं हाँ देखा। बिल्कुल भैया कहे कि उमा हर फिल्म में हो सकेला कि 2 घंटा के फिल्म, 2 घंटा 20 मिनट के फिल्म में 1 घंटा बहुत अच्छा बा और बाकी खराब कर देता, तारतम्य नहीं खे मिलत। हमरा सिनेमा में तो ज्यादातर हम ऐसा देखीला, और अभी भी कोनो नुकसान नहीं के भाई प्रशांत बाबू, जी। अभी भी हालांकि हमनी के जब बैठे नहीं जाए तो बात करी नहीं जा, अभी हमनी के मलेशिया गए नहीं जाए या सिंगापुर कहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल हम दिनेश रवि पवन ये सब बैठ के हमनी के शपथ उपथ लेत रहनी जा, लेकिन थोड़ा हमार तो हमरो व्यस्तता हो गई, जी, हमनी के ओकरा पर काम लिखी जा कर पहले। लेकिन होई, ये जो पीढ़ी अभी बिया ये जी करी, भैया हमरा विश्वास बटे। ओके और जी जे लोग आज हम बाप से बात में ना, एक लाइन और फिर अगला भैया, सवाल पे बोल चला, जी 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 जे लोग खाली क्रिटिसाइज करता भोजपुरी सिनेमा के, उन लोगन से हमार प्रार्थना बा जी कि कुछ कंट्रीब्यूट करे के कोशिश करा जाए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिना देखले कुछ समझले देखे के लोग,
एकदम गड़ासा निकाल के छपा छप मार दो, तो जो खत्मे कर देगा तो फिर बनी का। बिल्कुल सो टैलेंटेड पीपुल, अच्छा थॉट रखे वाला पीपुल, जे भोजपुरी के धरती के बाटे और फील्ड में सिनेमा में आगे चल गए, तो थोड़ा कबो ऐसनो फिल्म बना दे कि वो मानक हो जाए। हाँ, तो ऐसा जो तो बिहार ही यूपी के भोजपुरी फिल्मकार लोग बाउलों को बनावे के चाहें, उन के कुछ पॉजिटिवली ना पॉजिटिवली वकअप करे कंट्रीब्यूट कि करे के चाहें। खाली गाली देता बिल्कुल रहो, खाली हाँ, खाली गाल देते हैं। बिल्कुल गाली देवे लगा लोग, बिल्कुल हमारोचक बिल्कुल कहीं हम आलोचना करब तो अपने बच्चा के ऐसा थप्पड़ मारा कि वो सुधरे, ऐसा मत हाँ, मार कर प्राणे निकल जाए। पढ़ाने चल जाओ, सलाह देवे चाहिए थी। यहाँ लोग आलोचना करके खाली इंडस्ट्री खत्म करेंगे हाँ भैया। बिल्कुल, वही बिल्कुल प्रार्थना करते नहीं न, बिल्कुल बिल्कुल भैया, हम लोग भी कि हमेशा लोगों को निवेदन करते हैं कि आप सिनेमा देखिए और उसको बेटरमेंट के लिए बताइए, खाली बुराइयों के बारे में मत बताइए भैया। हमारा जैसे माता जी बाटे बोलिए, कि भोजपुरी सिनेमा के गोल्डन टाइम अभी आवे वाला बा, आवे वाला बा अभी आई नहीं कि अभी आई और भैया, जरूर जैसे आ। बिल्कुल भोजपुरी फिल्मों का जो निर्माण है भैया, वो भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के परामर्श से हुआ था। जो नजीर हुसैन जी को उन्होंने बोला कि फिल्म बनाइए, उन्होंने फिल्म बनाई गंगा मैया तोरे पियरी चरई। वो पिक्चर काफी बहुत बड़ी हिट हुई और उसके बाद से लगातार काफी फिल्में बनी। एक इंटरवल के बाद फिल्म मेकिंग रुक गई भोजपुरी फिल्मों की, फिर चालू हुआ, कुणाल जी की फिल्में आई, धलती पुतल और क्या कहते हैं गंगा किनारे मेरा गांव, और ये सब फिल्में आई। और इन फिल्मों में भी काफी शालीनता रही और इन फिल्मों को भी लोग देखने के लिए सुदूर गांव से 8-8 घंटे का ट्रेवल करके लोग शहरों में आते थे और खूब लाइन लग के पिक्चर। फिर आपका दौर आया, आपकी फिल्म आई ससला, रवि भैया की फिल्म आई सैया, उससे भी दौर चला, काफी अच्छी अच्छी फिल्में बनी, अच्छी फिल्मों का निर्माण हुआ, अच्छा काम भी हुआ। लेकिन आप लोग की फिल्मों में ऐसे ऐसे छौक लगाए गए गानों में जिसमें भोजपुरी की थोड़ी शालीनता धूमिल हुई, जैसे आपकी फिल्म में गाना आया सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के, तो लोगों ने इसको ट्रेंड बना दिया, दूसरे लोगों ने एक दूसरा बजाल तैयार होने लगा। फिर एक दूसरे लोगों की फिल्म में गाने आने लगी लहंगा उठा दे रिमोट से, तो कोई मिसिल जी बड़ा बड़ा ठंडा गाना गाने लगा, कोई कमरिया करे लापालब गाने लगा, तो कोई स्टेज पर कैसे अरब सैया अरब गलना गाने लगा। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता होती है ऐसी धारणा लोगों की बन गई, जबकि भोजपुरी की फिल्में ससुरा से लेकर अभी तक, मैं तो भोजपुरी फिल्मों में पहली फिल्म से जुड़ा हूँ 17 सालों से, तो मैं देख रहा हूँ सब फिल्में पाक साफ होती हैं, उसमें थोड़ा बहुत गानों में होती है। तो दरअसल मनोज तिवारी की पहचान ही भक्ति गानों से थी, आप एक गायक हैं, तो आपको नहीं लगा था कि भोजपुरी में ऐसे गाने नहीं होने चाहिए, या आपका नहीं चलता था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की मांग होती थी या ऐसा कुछ डिमांड, उस बारे में कुछ बताएं। देखिए भोजपुरी सिनेमा में हर हमेशा लोग कहला कि द्विअर्थी गाना बनता, डबल मीनिंग, जी डबल मीनिंग खराब गाना नहीं होला। खराब जी गाना वो होला जोना के एक ही मीनिंग हुआ अब बहुते हाँ गंदा हुआ। जी, लेकिन भैया लोग ये कानून के लेके ना भोजपुरी के बदनाम कर लख। वो करा छोड़ा नहीं हो उसे, वो जे ऐसे बदनामी करे तो ओकरा के छोड़ द, वो ओके खाली हर हाल में बदनाम करे तोरा के, ओके बिल्कुल ओकर चिंता मत करो, चिंता ओकर करो हाँ कि एक ही मीनिंग बाटे। जी जैसे देखो अभी अब महेश पांडे बाड़ा ना, महेश भाई, हाँ जी, महेश भाई बहुत बड़ा राइटर बाटे, हाँ बहुत बड़ा धारावाहिक के गब्बर दुनिया के बहुत बड़ा राइटर। गब्बर सिंह फिल्म लेके आए हमारे पास जी, महेश भैया, तो हम वो फिल्म जानते काहे छोड़नी, भैया हम ओकर साइनिंग ले ले रहनी। हम जब स्टूडियो में गाना गौली गावे गईली ते वो गाना रहे सॉरी माफ करिया जा, जी, चोली नहीं में नहीं बताइए। फुटबॉल हाँ खेला, चलिए, वो फुटबॉल दिखेला बाद में, वो गाना आया भी था तो बाद में उस फिल्म में। हाँ तो हम कहली कि भाई ये गाना हमसे का गवाओ तड़ाओ। बोले भैया आजकल डबल मीनिंग चलेला, तो हम कहली कि एक दूसर का मीनिंग का बात ये समझा दो, एक को मीनिंग है, वह डबल कहाँ बा। कई मीनिंग बा। बिल्कुल तो देखो गाना के भाव होके चाहिए,
गमछे सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाए के, गमछा गरीबी के प्रतीक बा। उमा हो सकेला पूरा गाना में एका कोई गाना तो बहुत हिट बा, बहुत अच्छा बा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। नहीं, जितने गानों का भैया मैंने बात किया वो सब सुपरहिट गाने हैं, लेकिन उसके चलते लोगों को लगता है कि भोजपुरी में अश्लीलता, इसलिए प्रश्न आपके पर लाया मैंने। बाकी फिल्मों में तो कभी अश्लीलता होती नहीं है। देखो, अश्लीलता और रोमांस जी दोनों के बीच में बहुत पतला झिल्ली बाटे, बहुत जी पतला। जी ओके समझे वाला वो समझ सकेला। जैसे हम गाना गौली कि अरे अस्सी ये बहरे से बाहर जीजा अईहा ससुरारी दीदिया यही जे बाड़ी, अरे लिखी दिहा धरब कौन गाड़ी दीदिया यही जे बाड़ी। अब क्या है गाने में, एक उसके पत्नी की बहन वो जी कहती है मेरी भी आशा लगी है जीजा आओ, तो अब इसको आप किस अंदाज में लेंगे, आपको जैसा सोचना हो। तो ये तो बड़ी परंपरागत हंसी मजाक जीजा साली के चलते रहेला। जी जी तो हमनी के अगर होलियों में गाना गावेल नहीं जा तो हमेशा देख के गावल जाए कि भौजी के बहिन से मजाक करतनी, या जी कोई जी सार भाई आए बड़े गांव में तो उनका के, उनका के या मजाक करते भौजी से। इतना परंपरा माने वाला भोजपुरी में कोई ऐसा लेके मीन में एक निकाले तो फिर ओकर गलती बा। हमनी के गलती इतना बाटे कि हमनी के सिंगल मीनिंग गाना बनावे लग नहीं जाए। हाँ, कहीं ना कहीं गलती भाई है। गलती भाई लोग राके थोड़ा डबल मीनिंग के मर्यादा पालन करके चलो तो ओकरा से लोग म्यूजिक आनंदे खातिर बोला ना भाई। जी 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 तो ओकरा में अब वो सब गीतकार के ऊपर बा भाई, गीतकार और म्यूजिक डायरेक्टर के भी मैं दोस्त नहीं के। अब ना ही कोई ऐसा प्रोड्यूसर मिले कि गीतकार के ले थपरिया थपरिया के गाना लिखवाए ऐसा लिख तो बहुत सकेला। बिल्कुल भैया, जैसे राज ठाकरे जी का हर तरफ विरोध होता है कि वो काफी छेतलवाद करते हैं, उन्होंने मतलब अपने महाराष्ट्र में वो उत्तर भारतीय बहुत हमला करते हैं, लेकिन एक चीज उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने मराठी फिल्मों के लिए एक अभियान छेड़ा कि मराठी फिल्मों को महाराष्ट्र के सभी सिनेमाघर में चला दिखाना कंपलसरी होगा, और उन्होंने एक प्राइम टाइम में दिखाना कंपलसरी होगा। तो ऐसा कोई प्रयास मनोज भैया आपने क्यों नहीं किया कि इसको व्यापक हक मिले, क्योंकि आप उस पोजीशन में हैं तो आपको करना चाहिए था, ऐसा लगता है क्या? देखिए, वो राज ठाकरे ने जिस तरीके से उन्होंने पर प्रांतियों का विरोध किया जी, उसके कारण उनकी कल भी जो बुराई होनी थी हुई और जीवन भर वो नहीं छूटने वाला है। वो तो होगा ही भैया वो, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के लिए भैया, जैसे वो हम लोगों के लिए तो उन्होंने पर प्रांतियों के साथ गलत किया, लेकिन महाराष्ट्र के लिए मराठियों के लिए तो कम से कम एक अभियान छेड़ा, नहीं तो उनके अभियान का ही फल है उस, इसलिए उसकी उदाहरण छोड़ दो जी, क्योंकि उनके उनका जब नाम आएगा हमारा मन खराब होगा। नहीं ठीक है भैया, ठीक है, हंस दिया है वो नहीं जी। जाएगा। दूसरी बात, निश्चित रूप से अपने स्टेट खातिर वो कुछ नई चीजें, नई नई चीजें करना चाहिए, लेकिन हम जरूर राजनीति में आ गए, हम सांसद हैं बीजेपी की और बीजेपी की सरकार भी, बीजेपी कोलिशन की सरकार है बिहार में, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी है। तो अब वहां के नीति नियंताओं को तो हम लगातार कह ही रहे हैं, आपने प्रयास किया है, मतलब मनोज तिवारी जी ने प्रयास किया है, लेकिन मनोज तिवारी जी ने प्रयास किया। हाँ, हमने लगातार उनको, दोनों सरकारों को, हमने जो अपनी बात कही है वो उनको लिख के दे रहे हैं, और मुझे आशा है कि आज नहीं तो कल उसको उसको लोग मानेंगे।
बहुत सारी चीजें मानी भी हैं। आज उत्तर प्रदेश ने फिल्मों के लिए अलग से सिस्टम चलाया है हाँ, और सब्सिडी योजना है। हाँ, बिहार भी, बिहार पॉजिटिव है इस पे, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने फिल्म सिटी बनाने की भी पहल करी। जी लेकिन जो आप सिनेमा हॉल की दशा सुधारना और फिर उसमें भोजपुरी फिल्म दिखाने की बाध्यता रखना, ये करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बिल्कुल बिल्कुल भैया, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। वो करेंगे तो उसको क्या करना होगा, ही अच्छी फिल्मों का पड़ेगा। निर्माण भी होगा और ये भी होगा, क्योंकि भैया लोग भोजपुरी फिल्मों के राम के रूप में आपको देखते हैं। जो बनवास भोजपुरी का था वो आपकी फिल्मों से ही खत्म हुआ, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि आप वो प्रयास करें, और संजोग से भगवान ने आपको मुकाम भी दिया है, इसलिए सवाल था जैसे भैया। हम लोगों जी ने, दिनेश जी भी सुन रहे हैं, जी तो जो हम लोगों ने भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल करवाया दिल्ली में, जी जी भैया शुरू किया है जी और सूचना प्रसारण मंत्रालय से कराया, अभी जी इसी साल, अभी इसी में होने वाला था, तब तक कोरोना का संकट आ गया, जी जी तो जैसे ही खत्म होगा हमारा केंद्र सरकार का भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल, वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग अपनी अपनी फिल्में दीजिएगा। जी एक बार हमने यही सीरी ऑडिटोरियम में, जहाँ नेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, हाँ, वहीं कराया था करवाया। आपने। जी भैया कराया था आपने, तो मुझे याद है। अब हम लोग जो नया फिल्म फेस्टिवल है उसमें बेस्ट फिल्म वगैरह भी, बेस्ट एक्टर सिंगर ऐसा भी, हम लोग अभी शुरू में 8 कैटेगरी को देने वाले हैं, ये भी बहुत बढ़िया व्यवस्था करा दिया हूँ, आज आपके साथ जी शेयर कर रहा हूँ। जी जी भैया तो वो तो सब हो जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से अभी हम सब कुछ जैसा चाहे वैसा बिहार यूपी में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लेकिन प्रयास जारी उसके, है। हाँ, प्रयास जारी है उसके, उसके लिए थोड़ा सा सिनेमा हॉल के जो मालिक हैं उनको जी भी भैया इसमें आना पड़ेगा। जी अभी भी बिहार में आपको तो पता होगा, सिनेमा हॉल को फिर से बनाने के रेनोवेट, लिए, हाँ रेनोवेट करने के लिए, रेनोवेट करने रेनोवेशन का करने। सिस्टम आया है, उसको बिहार के सभी सिनेमा हॉल्स को लेकिन भैया तीन बनाना। तीन साल लेकिन भैया 3 साल से ये वो सिस्टम अभी नहीं है, उसके लिए भी आप लोग को आवाज उठानी होगी। पहले सिस्टम था, 3 साल पहले वो सिस्टम खत्म हो गया कि रिनोवेशन करने पर आपको शुल्क, वो नया सिनेमा हॉल बनाने पर टैक्स माफ करते थे, अब वो भी बंद कर दिया है जब से GST आ गया है। हाँ, अच्छा, तो क्योंकि मैं उस ये बात बिजनेस से हमें जुड़ा नहीं हूँ। पता है, जी जी इस संबंध में थोड़ा सा आप लोग भी जागरूक रहें, तो जी हम भैया समय समय पर, क्योंकि नीतीश कुमार बिल्कुल जी प्रोग्रेसिव हैं, जी जी उनको भैया जो भी अच्छी बात सुनते हैं तो उसको हाँ मानते हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल और दिनेश दिनेश को हमने, दिनेश जी आजकल उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय है, जी जी योगी भैया जी इनको बहुत मानते भी हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल तो भैया कुछ इम्पोर्टेंट बात दिनेश जी तैयार करिए, हमने जो करल जी, ठीक है भैया, हम बात आपको करेंगे पता है उनका कि दिनेश इस। अभी भी आजमगढ़ से बहुत काम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल भैया अभी अभी वहां कुछ रेल लाइन, कुछ ये सब अपने प्रयास से बहुत कुछ करवाया है दिनेश बहुत बढ़िया। ने। दिनेश जी भैया हमेशा तारीफ करते हैं, और पिछले हफ्ते हम लोग के साथ तो इंटरव्यू में थे, तो उन्होंने आपके बारे में बोला कि मैं राजनीति में जो कुछ भी हूँ उसमें मनोज भैया का बहुत बड़ा योगदान है, और मनोज भैया ने मुझे आउट ऑफ वे जाके मदद किया राजनीति में, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ उन्होंने क्या क्या किया, और आपका अनुसरण वो करते हैं हमेशा, जब भी चर्चा होती है तो आपकी चर्चा करते इतने रहते हैं। भोजपुरी फिल्म स्टार हैं, जी सबको अपनी, जब जब ये लोग थक जाएंगे कि अब हाँ हमको बहुत हो गया, तो सबको राजनीति में समाज की सेवा करनी करनी है, ये मेरा विश्वास भी है, और उन लोगों के बिल्कुल लिए बिल्कुल रास्ता बना के भी रखना है। बिल्कुल भैया, जैसे काफी अभिनेता जो है वो सांसद बने, धर्मेंद्र जी, सद्धन सिन्हा जी, विनोद खन्ना जी, सबने राजनीति के साथ साथ अभिनय भी जारी रखा। आप सांसद बनने का बहुत कम दिखे, मुझे लगता है एक फिल्म औलत खिलौना नहीं भोजपुरी में, और एक हिंदी फिल्म लखनऊ सेंट्रल में दिखे, तो क्या आप समय की व्यस्तता के चलते आपने छोड़ दिया या ऑफर्स आने कम हो गए? क्योंकि लोगों का प्रश्न रहता है मनोज जी फिल्मों में क्यों नहीं दिख रहे हैं। असल में देखिए, हमने थोड़ा सा
हम राजनीति में आने के बाद खाली सांसद नहीं रहे ना, हम प्रदेश के अध्यक्ष भी बन गए। जी 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 भैया, तो प्रदेश का अध्यक्ष बनने के बाद बहुत व्यस्तता बहुत बढ़ गई, व्यस्तता है। वो तो तो हम लोग अगर देख हम, लिए। हाँ, उसके कारण हम नहीं समय दे पाए, लेकिन हम लगातार इनको फॉलो तो करते रहते हैं, फॉलो करते मतलब रहते अगर अभी भी अगर आपको अच्छे ऑफर्स आए तो आप फिल्मों के लिए समय निकाल सकते हैं। हैं। हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा सा समय निकालूंगा, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तो बहुत व्यस्तता हो गई, तो जी अब भैया, इस जिम्मेदारी से थोड़ा सा मुक्त होऊंगा, तो मैं बिल्कुल अपने उस प्रोफेशन को अभी भी टॉप पे लेके चलता हूं और बहुत कुछ करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया भैया। जैसे अब क्या होता है कि हम लोग आपसे जब बातचीत कर रहे हैं तो ये प्रचार प्रसार मनी। ये प्रशांत, जी ये भैया, विनय आनंद भी जुड़े हुए हाँ हैं। भैया, विनय विनय आनंद जी आनंद भी जुड़े, बहुत, मंजुल ठाकुर, मंजुल ठाकुर जो डायरेक्टर हैं भोजपुरी सिनेमा के, भैया वो भी जुड़े हुए हैं, काफी अच्छा लोग जुड़ते जा रहे हैं। जी मंजुल, जी देखो भैया, मंजुल को मैं बाद में जब मैं चला गया था तब मिला। मंजुल हाँ ठाकुर ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं। जी 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 भैया, मंजुल आपको बहुत बधाई, विनय रजनीश आनंद मिश्रा जी जी भी जुड़े आपको हुए हैं, भी, म्यूजिक रजनीश मिश्रा जी जो म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर दोनों हैं, राजेश रजनीश के रजनीश मिश्रा जी, अच्छा हाँ वो भी जुड़े हैं ये भैया। सब लोग, सबको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे भैया। बिल्कुल, परवेश भैया भी जुड़े हुए हैं भैया, परवेश लाल परवेश जी, भी जुड़ा है, हाँ जी भैया वो भी जुड़े हैं, सब लोग परवेश देख रहे हैं जल्दी भैया। मैच कराओ, हमारा मन कर रहा है क्रिकेट खेलने का। कोरोना के बाद कराएंगे भैया। भैया कुछ क्या होता है तो कुछ पत्रकार मित्र जो डायरेक्ट आपसे बातचीत नहीं कर पाते हैं, जिन भोजपुरी सिनेमा के बारे में जो लिखते आए हैं जो करते हैं, उनके भी कुछ सवाल हैं, तो अगर आपका आदेश हो तो मैं पूछूंगा सवाल। हाँ जी, बहुत जरूर जरूर पूछवा लीजिए। या जैसे भोजपुरी सिनेमा का लोग मतलब भी मनोज तिवारी समझते हैं, भोजपुरी के माध्यम से आप बहुत आगे गए, बड़े नेता बन गए, सांसद बने, फिर आज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और काफी ख्यातियां आपने मिली, तो मनोज तिवारी ने भोजपुरी फिल्मों के लिए क्या किया, कम एक रिटर्न गिफ्ट क्या दिया, और जो उदासीनता भोजपुरी फिल्मों को लेकर सरकार का है उस बारे में मनोज तिवारी ने क्या प्रयास किया, ये जानना चाहते हैं भैया। देखिए, हम जितना कुछ सोच रहे हैं भोजपुरी सिनेमा के बारे में, उसके हिसाब से अभी मैंने कुछ भी खास नहीं किया है, क्योंकि मैं एक सांसद होने के नाते संसद में हम लोगों ने ये आवाज उठाई कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में रखा जाए। जी उसमें भैया, अभी हम सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन सफलता के कगार पे पहुंच गए। रवि किशन जी भी संसद में आ गए, रवि किशन जी ने भी उसमें प्राइवेट बिल लाया, जी और अब इस समय आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो ये मैं बता सकता हूं कि 3 भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने का जी भैया, एक फैसला हो चुका है, ओके भोजपुरी, राजस्थानी जी और मोटी। जी ये 3 भाषाएं देश के बाहर किसी न किसी देश में मान्यता प्राप्त है। ओके, हाँ तो इस आधार पे जो भी देश की भाषा जो किसी दूसरे देश में मान्यता प्राप्त है, उसको मोदी सरकार 8वीं अनुसूची में रखने जा रही है। जी और जो कोरोना संकट के बाद जो भी सत्र चलेगा, जी उसमें ये खुशहाली हम सबको मिल जाएगी। उसमें हमने थोड़ा माहौल बनाने का, कभी गृह मंत्री जी से बात कर रहे हैं, ये सब हम लोग करते हैं। अभी जो दूसरा एक काम हमने किया कि जो भोजपुरी अवार्ड्स होते हैं अलग अलग देशों में, जी जी जिसमें याशी फिल्म्स का बहुत बड़ा रोल है, जी जी उसमें जी हमने इनक्रेडिबल इंडिया को भी जोड़ दिया है। ओके, बहुत बढ़िया जो भैया, इनक्रेडिबल इंडिया, जो भारत का जी टूरिज्म है, जी जी उसको भी हमने उसमें जोड़ दिया है। ओके जी और एक जो हमने कहा कि भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल भारत सरकार का हमने शुरू करा दिया है। ओके और एक हमने, चूंकि जो फिल्म फेस्टिवल होता है भारत का, उसमें 29 शेड्यूल में हर रीजनल फिल्म के एक फिल्म को अवार्ड मिलना निश्चित है। जी
तो उसमें उसकी व्यवस्था भी शुरू हो चुकी है। आप अपनी इंडस्ट्री को बताइए, हम सबको जी भैया, प्रचारित करना चाहिए कि जी नेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी वो फिल्म जाए। जी तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जिसे भोजपुरी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिर्फ एक ही कैटेगरी का अवार्ड है, वो एक सिनेमा को मिला भी है, उदित नारायण जी के पिक्चर को। कब हुई गौना हमारे को? हाँ, लेकिन उसके बाद से आपको जान के दुख होगा कि लोगों ने भरा ही नहीं। ओ, लोग उदासीन हैं, लोग उसके प्रति मतलब ये है ही नहीं कि हाँ ये भी करना चाहिए हम लोगों को। करना है तो जी अभी मैंने उसके लिए अब नोटिफिकेशन भी जाना शुरू होगा कि भाई ये समय आ रहा है, आप अपनी फिल्म दीजिए। तो फिल्म भी ऐसी होनी चाहिए कि फिल्म उस कैटेगरी में शामिल हो, उसमें कोई ऐसी बुरी बात न नहीं हो, हो। तो मैं आप सब लोगों से, जैसे कभी एक मैंने और भी समय निकाला प्रशांत, जी भैया, जैसे देश दुनिया में जहां भी भोजपुरी अवार्ड होता है हाँ तो कितना भी व्यस्त हूं मैं जाता जरूर हूं। बिल्कुल जाते हैं भैया। वो तो भोजपुरी आयोजन में जब भी आपको सीसीएल में, बीआईपीएल में, वो तो आपने हमेशा अवेबिलिटी अपनी दिखाई है। मैं इस फैमिली को बहुत मजबूत देखना चाहता हूं बिल्कुल और मैं उसमें शामिल रहता हूं। हाँ, अब जो हमारी दूसरी कोशिश है, जो हमने जी शुरू में ही आपसे बात किया कि जी भैया, थोड़ी भोजपुरी फिल्मों को हम लोग अश्लीलता से बचाएं, रोमांटिक बनाएं, जी, और भोजपुरी सिनेमा में भी सार्थक फिल्मों का जमाना शुरू हो, ओके जी तो हम लोग एक बहुत बड़ी ऊंचाई तय करेंगे और करेंगे ही करेंगे। हमें बिल्कुल वर्तमान में जो लोग काम कर रहे हैं जी उनपे भरोसा है, जी और बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको थोड़ी फ्रीडम मिलनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्टर्स को फ्रीडम नहीं मिलेगी, पहले प्रोड्यूसर ये डिसाइड करे कि ये डायरेक्टर अच्छा है, फिर उसको थोड़ा फ्रीडम दो, बिल्कुल थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो अभी एक काम मैं भी करने की सोच रहा हूं, मैं भी सोच रहा बहुत बढ़िया, हूं अब नहीं बहुत बढ़िया भैया, करना चाहिए, आपको भी फिल्मों का निर्माण हिंदुस्तान से लाना चाहिए। बात करूं और मैं भी कुछ फिल्म प्रोड्यूस करने की सोच नहीं रहा बहुत बढ़िया, बिल्कुल भैया, बिल्कुल करना। भैया भोजपुरी का जो एल्बम है उसके चलते भोजपुरी काफी बदनामी होती है, तो नहीं लगता आपको कि उसके लिए कोई सेंसर अलग होना चाहिए? यूट्यूब पर कोई भी सॉन्ग पब्लिशिंग के पहले उसका एक मूल्यांकन, एक ऐसी टीम हो जो वो देखे और उसके बाद उसका यूट्यूब पर पब्लिकेशन हो। आप क्योंकि वैसे ऐसे वो ओहदे पर है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से आप गूगल को, यूट्यूब को एक लेटर लिखवा सकते हैं कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग जानना चाहते हैं? केंद्र सरकार ने ऑलरेडी एल्बम को भी, वो उनको अभी म्यूजिक कंपनियों को भी कहा जा चुका है कि जी आप इसको सेंसर के साथ ही दे सकते हैं। अब कोई ओके एल्बम भी बिना सेंसर के नहीं जाएगा, ओके लेकिन हाँ इसके बाद भी उसका दुरुपयोग हो रहा है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ओके स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी फिल्म निदेशिका होती है, जी भैया, तो फिल्म फिल्म निदेशालय डिवीजन होती है। होता है, जी 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 तो भैया, हर उसके आधार पे भी कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब क्या बताएं, सब कुछ करने के बाद भी लोग मानते नहीं के, तो ये को दुखद पक्ष बा ओकरा पर हमनी के। अब ऑनलाइन नहीं बतियाई ने तो कोई लोग नाराज हो जाए, अब हाँ तो बैठने वाला तो कई भैया, कुछ प्रश्न वाला राजनीति के, कि दिल्ली में बीजेपी का से जो आपका वोट आया वो सिर्फ 7% अधिक वोट ला करके आप पार्टी ने शायद वहां सरकार बनाई, जो मेरे पास जानकारी है। पिछले साल से वोट प्रतिशत काफी बढ़ा, लेकिन ऐसी क्या चूक हो गई कि पूर्वांचल के इतने वोटर्स होते हुए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई? देखिए, अब ये तो दूसरे तरफ ले गए लावरा के थोड़ा सा भैया, क्योंकि लोग जानना चाहते ना भैया, मनोज तिवारी का मतलब राजनीति, सिनेमा सब बायो भोजपुरी से ही जुड़ल बा, पूर्वांचल से जुड़ल बा, ऐसे पूछनी है भैया। एक्चुअली दिल्ली में ना झूठ परोस देहल गई बहुत कलाकारी से, ओके okay. और झूठ जैसे उकरा में कुछ झूठ के चाशनी में फ्री शिप परोस देल,
कि भाई फ्री दे दे भाव, फ्री दे दे। और मोदी जी और हमनी के बीजेपी के रहे कि भाई अब चूंकि बीजेपी पूरा देश में शासन करती है तो वो फ्री के झांसा नहीं दे सकेला, खाली ओकर एक खाने के स्टेट लिए से मतलब नहीं थे, बिल्कुल वो जो कर सकेले वो देश भर खातिर कर। बिल्कुल जैसे इतना बड़ा लॉकडाउन में हमनी के जितना देश में राशन कार्ड बांटे लोग जी भैया। सबका के वो राशन कार्ड के राशन के अलावे फ्री राशन 6-6 किलो दियाई बाटे जी भेजल गेल बा। जी जेकर राशन कार्ड नहीं के ओकरो के राशन फ्री में भेजल गेल बा। जी जी तो सरकार संकट में फ्री दे तो समझ में आवत या कोनो रोग दुख में साथ दे जैसे आयुष्मान योजना बा, जी या फिर जी गरीबी रेखा से नीचे बाटे ओकरा खातिर कुछ करे जी भैया तो वहां हमनी के थोड़ा सा मार खा के नहीं जा कि भाई हमनी के झूठ नहीं बोल सके नहीं जा। जी अब आज देखा आपके यहाँ आवे से पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करत रहनी हो, तो हाँ कोरोना के प्रेस लेके कॉन्फ्रेंस यही बात के करत रहनी हो कि कोर्ट आज आम आदमी पार्टी के डटले भी कोर्ट हाँ कि आप ई कूपन का नाटक कर रहे हैं और गरीबों को आप वो नहीं दे रहे हैं, राशन नहीं दे रहे हैं, इसलिए गरीब जो लोग हैं दिल्ली से अपने गांव जाने को मजबूर हो गए, तो इसके लिए कोर्ट ने डांटा है। तो हम जो बात कह रहे थे पिछले दिन से वो हुआ है। तो जी देखिए झूठ की राजनीति थोड़े समय चल सकती है, वो चल गई। और दूसरी चीज, कुछ हमने भी गलतियां की हैं। हमारी गलती ये थी जो हालांकि मैं पार्टी के अंदर हम लोग इस बात पे निष्कर्ष पे आए हैं जी और आपसे शेयर करना चाहते हैं जी कि हम लोगों ने अपना जो मैनिफेस्टो है जी घोषणा पत्र वो हमको लाने में देर हो गई, चुनाव से मात्र 5 दिन पहले आई तो ओके लोग लोगों के पते नहीं चल पाए। हम लोगों को तक ना पहुंच पाए मैनिफेस्टो कम से कम 2 महीना पहले लियावे के चाहिए। दूसरा गलती भइल कि हमने क्या अपन कैंडिडेट मात्र 20 दिन पहले घोषित कहीं नहीं जाए तो ओकर भी बड़ा खराब असर पड़ल। अब वो ओके कैंडिडेट लोग कई लोग नया चेहरा के ध्यान दिल गए ए हाँ बार, तो लोग जो नया रहे वो संपर्क नहीं कर पावल जनता से अच्छा से। ओके okay. और तीसरी चीज एगो यो रहे कि हमनी के मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं दे पैनी जा। पार्टी डिसाइड कैलस कि हम बिना फेस के लड़ेंगे ओके okay. तो उसका हम लोगों को थोड़ा खामियाजा हुआ नुकसान हुआ। हमें किसी न कोई ना कोई फेस लेके जाना चाहिए था, जी तो ये भी हम लोगों से थोड़ी गड़बड़ी हो गई। तो आगे से हमनी के गलती नहीं कर जाए, लेकिन अब आज के डेट में दिल्ली पछता रहा बा। बिल्कुल बिल्कुल भैया आज हमारी जो दिल्ली और महाराष्ट्र से जो लोग हमनी के मजदूर भाई लोग गए, जी भैया तो अब तो देखते बड़ा सब राजनीति का हाँ का हो रहा बिल्कुल बा। बिल्कुल बिल्कुल भैया वो आखिर महाराष्ट्र से सॉरी भैया थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते हम लोग डिस्कनेक्टेड हो गए थे। कोई बात नहीं, हाँ भैया तो मजदूरों की बात आप कल ऑलमोस्ट सारी जी भैया बातें थोड़ी हो गई। सी बातें कुछ हैं भैया कुछ मजदूरों को लेकर भैया आप बोल रहे थे तो उसमें मेरा कहना था भैया कि जैसे हाल ही में हम लोगों ने देखा कि दिल्ली स्टेशन सहित दिल्ली सहित कई महानगरों से लॉकडाउन में जो मजदूर हैं वो लोग पलायन कर रहे थे और मजदूरों में भारी संख्या में आनंद विहार में भी काफी भीड़ लग गई थी। तो आप पूर्वांचल के चेहरे हैं और पूर्वांचल के लोगों की ताकत हैं तो एक पत्रकार मित्र का सवाल है कि संकट की घड़ी में मनोज तिवारी जी ने क्या किया और उनसे मिलने वो क्यों नहीं गए ये जानकारी लेना चाहते हैं। हाँ मैं देखिए वहां जाना तो बिल्कुल ही ठीक नहीं था, जी क्योंकि वहां जाने से उस समय तो हमको भीड़ को किसी तरह से जी उनको या तो जहां चले गए तो लास्ट में यूपी सरकार की बसें लगी तो उसमें चले जाएं, तो योगी जी जी ने टाइम से एक डिसीजन लिया।
और नहीं तो उनको वापस उनके घर भेजना था। हम जी लोगों जी का जाना वहां पे अफरा तफरी को और बढ़ाने वाला था, इसलिए हम वहां बिल्कुल नहीं गए, न हमारा जाना उचित था। जी दूसरा चीज कि हम लोगों ने दिल्ली में हमने अपना हेल्पलाइन शुरू कर दिया, जिसको भी ओके जरूरत थी वो हमारे हमारा नंबर वायरल है इस समय, ओके और उस नंबर पे जो भी हमने एसएमएस करना शुरू किया कि आप कोरोना से घबराएं नहीं, आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमें मैसेज करें, और उसके जी आधार पे किसी को राशन भिजवाना, कई लोगों को तो कैश 500 600 हजार रुपया भी प्रति व्यक्ति भेजना पड़ा। चेन्नई में कोई फंसा है, कोई शिलोंग फंसा है, ये सब काफी काम किए। और अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल को एक बार देखेंगे तो उसमें प्रतिदिन की सारी चीजें उसमें नोटेड है, वो हमने पोस्ट किया हुआ है। और फिर हमने पूरी कोशिश की कि जल्दी से जल्दी बसें चल जाए। जी जी तो फिर बाद में आपने देखा होगा कि हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसी बन गई, लोग जी अपना हर जगह नोडल अधिकारी बना दिए गए, नोडल अधिकारी बना दिए गए, और एक लिंक दे दिया गया जिस पर कि आप अपना जानकारी भर दीजिए, और फिर फॉर्म भर के जा श्रमिक सकते हैं। स्पेशल ट्रेन चलानी शुरू हो गई। जी तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में हम लोग रेलवे मंत्री जी के साथ, पीयूष गोयल जी के साथ बैठ करके उस पे बहुत हम लोग कवायद किए। और फिर उसके बाद वो कई दो तरह के लोग थे, एक लोग जो बहुत आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो सक्षम थे लेकिन लॉकडाउन में फंस गए, तो उनके लिए फिर वो राजधानी भी चलाई गई। आप देखे होंगे कि तीसरे लॉकडाउन में राजधानी चल गई, और उन सारी चीजों में बहुत मुश्किल था क्योंकि उसमें एक राजनीति हो रही थी, लोग चाहते थे कि सड़कों पे निकल जाएं और हम दोष दें मोदी सरकार को। तो जो जो हमारी बीजेपी शासित जो गवर्नमेंट है जहां जहां, जी भैया, अगर इन स्टेट में कोई पैदल आया तो उनको तुरंत बस दिया गया। उत्तर प्रदेश में तुरंत, अगर उत्तर प्रदेश में कोई घुसी गया मजदूर पैदल, तो उसको हम बस से बिहार बॉर्डर तक भी भेजे, ताकि वहां से जो बिहार को डिसाइड करना होगा, हेल्थ चेकअप करना, उनको क्वारंटाइन करना, उनके साथ जो सुरक्षात्मक जरूरत थी वो सब किया। और मैं अभी हमने इस पूरे लॉकडाउन में 56,000 किट भेजे, किट मतलब एक बैग पीपी किट, पीपी किट जो है राशन किट, वो राशन किट, जी राशन किट। और काफी देखने में आया कि आप ट्रक 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 जो है उसके माध्यम से भी कई जगह भिजवा रहे हैं। जहाँ पे रसोई चलती थी ना, जहाँ पे कुछ जगह खाना बनवाना पड़ा, कुछ लोगों को राशन थोक में देना था, तो हर घर तो जाके नहीं बांटना चाहते थे, ना ना बिल्कुल बिल्कुल नहीं, का पालन करना था। जी जी तो जी, हम जी। ट्रक में लेके जाते थे, हम खुद भी गए, हम सड़कों पे तो गए लेकिन भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश किया हमने। फिर बाद में उस पे जो आप जिस भीड़ की बात कर रहे ना, आनंद विहार, जी भैया, भीड़ को तो जानबूझ के भेजा गया ना, वो एक साजिश के तहत भेजा गया। हाँ, माइक से लगा के कि आनंद विहार से यूपी और बिहार की बसें जा रही हैं, जबकि कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक खराब छवि दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए लॉकडाउन में लोग भाग रहे। तो बहुत सारे लोग वापस आ गए, जिनको जाना ही था वो चले भी गए, लेकिन वो जो भी हुआ वो तो दुर्दशा, मतलब वो दुखद स्थिति है। आज की स्थिति में आपको बता दूं कि रोज 200-250 ट्रेनें दिल्ली से या नोएडा से ये बिहार और झारखंड के लिए, यूपी के लिए निकल रही है। जी भैया, और आज से बुकिंग शुरू हो गई है, जो लोगों को भी ट्रेन से जाना है 1 जून से वो अपने ट्रेन की बुकिंग करा के
जो गरीब रथ वगैरह है उसमें जा सकते हैं, और 25 तारीख से एयर सेवा भी शुरू हो रही है। फ्लाइट बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरी सरकार का अभी भी काम तो बहुत प्रार्थना है बेहतर कि है। भले ही ये सब शुरू हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर अपनाएं, भीड़ भाड़ से बचें, क्योंकि आप अपना ही जान संकट में नहीं डाल रहे हो, दूसरों का भी डाल रहे हो। भैया मनोज तिवारी खुद को राजनीति में 10 वर्षों के बाद कहाँ देखते हैं? 10 वर्षों के बाद आपकी राजनीति में और पोजीशन क्या होगी आपके, मतलब आपको अपने खुद के हिसाब से, क्योंकि मैं आपके साथ काफी शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। मैं देखता हूँ आप जब अभिनय में थे तभी आप बोलते थे कि हम लोग भी विधायक सांसद बनेंगे, भोजपुरी की ताकत बहुत है, और आप बन गए फिर तो। आप खुद का अवलोकन काफी अच्छा कर लेते हैं जैसा मुझे लगता है, उस बारे में बताएं। अभी तो हमारा 6 साल पूरा हुआ है, जी आप 4 साल बाद की सवाल पूछ रहे हैं, जी भैया और राजनीति में हम बहुत कुछ पाने के लिए नहीं आए, हम लोग देने के लिए ही आए। जी। आज आप देखिए, एक अजीब सा नफरत का माहौल है, जैसे हम आप सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, तो जी इसी भैया में दो चार लोग गाली वाली भी लिख सकते हैं, हाँ हाँ बहन लिखते कर ही हैं लोग सकते हैं। जी अब उन बीमार लोगों का क्या करेंगे? लेकिन वो भी सुनना है, हम आलोचना कर सकते हैं किसी की, किसी से असहमत हो सकते हैं, जी अपनी बात कह सकते हैं, किसी के फेल्योर को जी बता सकते हैं कि आपने ये नहीं किया। जी लेकिन अब हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे गाली मत दो, सोशल मीडिया पे कोशिश करिए आलोचना हो, समर्थन हो, असहमति हो, विरोध हो, लेकिन मां बहन मत करो यार, ये तो हमारी संस्कृति भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल असहमत होने का अधिकार सबको है, हाँ, आप मैं अपने विचार लिखिए, आप जिसमें प्रॉब्लम हो विचार को विरोध लिखिए। करिए, हाँ आलोचना करिए, विनोद बिल्कुल गाली गलौज ना हो। और मैं समझता हूं, मैं 4 साल बाद मैं इसी तरह से सेवा करता दिखूंगा तुमको। बिल्कुल बिल्कुल भैया लेकिन जिस तरह से देश रास्ते पे चल रहा है, हमें इस बात का गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी के साथी हैं हम लोग, और हमारा उद्देश्य एक है, जी भैया नेशन फर्स्ट, हमारा देश सर्वोच्च हो, आगे बढ़े, सुरक्षित रहे, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे, हमारी जो जी जमीन दूसरे लोग ले लिए हैं वो वापस ले ले। अब 4 साल बाद हम रहेंगे, जब आपके बाद 4 साल बाद इंटरव्यू करेंगे, जी तो भैया आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं सुनोगे, आज मैं आपको इंडिया बता के आ ऑक्यूपाई रहा हूं, बिल्कुल 4 साल के बाद भारत की सीमा के अंतर्गत वो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भी भारत का हिस्सा होगा। क्या ये बात है हमने भैया बिल्कुल ये करना है, हमारे बिल्कुल देश के अंदर जो देश के दुश्मन बने हुए जी हैं, खतरा उनसे है। अब जी भारत को कोई बम गोली से नहीं हरा सकता, भारत को वैचारिक आतंकवाद से तकलीफ देने की कोशिश हो रही है। ये जो वैचारिक आतंकवाद है, लोगों को जी रेडिकलाइज करो, इससे लड़ना हमारा आगे का उद्देश्य है, बहुत ताकि बढ़िया भैया सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल सिख ईसाई पारसी बौद्ध जैन, ये हमारा देश जो ये गुच्छा है अलग अलग रंगों जी के भैया फूलों का, जी उसको भैया हम लोग और मजबूत करेंगे, और देश कैसे मजबूत हो आगे उसको करेंगे। इतना सोचा है, बाकी भविष्य नहीं बिल्कुल बिल्कुल हम भैया प्लान ऑल होगा कर सकते हैं, बिल्कुल और माँ विंध्यवासिनी कृपा से फिर हमनी के सफल होकर जाए। बिल्कुल भैया 4 साल बाद, कभी भोजपुरी 4 साल जी बोलिए बाद भैया दिनेशो हमारा संगे सांसद रही हैं, और बिल्कुल भी बिल्कुल भैया लोग ये सब परिवर्तन बिल्कुल हो बिल्कुल चुका रहे हैं, और बिल्कुल भी लोग लाइन में बांटे, सबके कुछ ना कुछ हुई, सबके बिल्कुल और 4 साल भैया बाद भोजपुरी सिनेमा
बहुत बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं नहीं भैया वो तो है ही। भैया आप कभी भोजपुरी फिल्में देखते हैं अपनी फिल्मों के अलावा, इधर की जो फिल्में आई हैं वो देखने का कभी टाइम मिलता है? हाँ लॉकडाउन में देखा जी भैया। कौन कौन लॉकडाउन सी में, फिल्में को देखा है? क्योंकि कभी कभी मैंने लगा दिया, कुछ खेसारी की फिल्म देखा, कुछ दिनेश की फिल्म देखा, पवन देखा, रवि की फिल्म देखा, एक तो नए लोगों की फिल्म देखा, जी भैया एक दो नए लोगों की फिल्म भी देखा हूं। बहुत बढ़िया, तो ठीक है। भैया आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? इतनी फिल्में आपने की है अपने कैरियर में भोजपुरी में, जो फिल्म आपको बहुत पसंद आती हो या आपको लगता हो कि आपकी बेस्ट फिल्म है लाइफ की भोजपुरी में? कब आएगू अंगनवा हमार, क्या संजय त्रिपाठी जी और हाँ कवि कुमार जी की? बड़ा शानदार फिल्म बनाया, हाँ बिल्कुल, रणभूमि, हाँ अभय भैया की फिल्म, अनिल आफताब जी जो डायरेक्टर थे उसके हाल ही में 10 दिन पहले गुजर गए वो। अरे हाँ यार, अनिल आफताब भाई नहीं रहे, हो क्या बीमार थे क्या? कैंसर से ग्रसित थे भैया, कैंसर था, और जब कैंसर हो गया तो अभी लॉकडाउन में फंस गए थे, तो अभय भैया ने प्रयास करके उनको एम्बुलेंस करके पटना भिजवाया था सरकारी परमिशन लेना लेकर, और यही घर पर उन्होंने अपने अंतिम सांस। उस फिल्म में भी आपका रोल काफी बेहतरीन था रणभूमि में, आप और भी दिनेश अच्छी जी। फिल्म है, अनिल अजता भाई का थॉट ही अलग था फिल्म बनाने का, और बंधन टूटे ना भी मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी फिल्मों में। वो भी अभय भैया का ही प्रोडक्शन था। हाँ देहाती बाबू भैया आपके, जी वो भी बहुत अच्छी फिल्म। भैया आपका पसंदीदा निर्माता निर्देशक कौन है भोजपुरी में? अब इस प्रश्न को जाने दो, क्योंकि तब भी भैया अगर दो चार हो आप, वो दो चार लोगों का नाम ले लीजिए, होता है ना कि हाँ मेरे पसंदीदा निर्माता ये हैं, आपने काफी लोगों के साथ काम किया है, आपको अगर लगता है उसका जवाब देना चाहिए तो बताएं आप, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कम से कम आपके दिल के करीब कौन से निर्माता निर्देशक हैं। देखिए सुधाकर पांडे जी के बाद अभय जी बहुत कमिटमेंट वाले व्यक्ति हैं, वो जी भैया उनका जुबान ही एग्रीमेंट है, ऐसा मैंने जी भैया समय में पाया, बिल्कुल बिल्कुल, और हमने बबलू पचीसिया की फिल्म की थी देहाती बाबू, जी भैया वो उनका भी बहुत अच्छा था सब कुछ, तो निर्माता उसे की निर्देशक भी, निर्माता और निर्देशक दोनों भैया, निर्माता का तो आपने जवाब दिया। और जैसे हमने संजय त्रिपाठी का आपने नाम दिया तो निश्चित रूप जी से जी जी भैया वो भूल नहीं पाता हूँ, जी और निर्देशक में असलम शेख का काम अच्छा लगा मुझे, तभी उनके साथ इतनी सारी फिल्म भी किया। जी जी असलम भाई का म्यूजिक पक्ष थोड़ा सा कमजोर है, जी मतलब वो गाना वाना कैसा रखना है हाँ इसमें थोड़ी सी उनकी थोड़ी कमजोरी है, बाकी फिल्म के जी मामले में उनका जवाब नहीं है, और निर्देशक के रूप में मुझे केडी भी बहुत, एक ही फिल्म किया अच्छा उनके साथ, हाँ हाँ मैं कल नायक, हाँ 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 बट खास बात है उनके अंदर, और अनिल अजिताभ जी निर्देशक के रूप में तो हमको, और बाकी जिसके साथ काम किया सब अच्छे ही हैं। आपने ही मुझे भी अभय भैया से मिलाया था, और तब से लेके आज तक मैं उनके साथ एज बिटॉल पीआरओ और काफी आगे काम उन लोगों ने, मुझे याद है मैंने आपका जब पर्सनल पीएलसी पे स्टार्ट किया था, यारों से प्रोड्यूसर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, आपका सब आपका आशीर्वाद है भैया, जो भी भोजपुरी सिनेमा में हूँ सबसे बड़ी भूमिका मनोज तिवारी की है, प्रशांत निशांत नाम को या हम लोगों को पहले बार पर्सनल पीआरओ भी आप ही ने रखा था। नहीं आज फर्स्ट जब भोजपुरी सिनेमा का कुछ अच्छा हो सोचता हूँ तो
आप लोग भी बहुत इन्फ्लुएंशियल, आपका कहना, थैंक यू भैया। अब जैसे आपने कहा होगा तभी दिनेश ने ज्वाइन कर लिया, सभी आर्टिस्ट आपकी बात, आपको रिस्पेक्ट देते हैं। जी 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 भैया। और कई प्रोड्यूसर हैं जो आपसे बड़े अच्छे संपर्क में है, तो उस भूमि मेरा जो दर्द है उसको पूरा किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल किया जाएगा। बहुत साहित्य की आवश्यकता है भोजपुरी को, उसकी खुराक मिलती रहनी चाहिए। भैया लॉकडाउन में जैसे भोजपुरी फिल्म उद्योग बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, फिल्मों की शूटिंग रुक गई और डेली वेज कर्मचारी से लेकर सब लोग परेशानी हो जाए, और सरकार एक से एक पैकेज दे रही है, लेकिन फिल्मों फिल्म उद्योग ना इंडस्ट्री में आती है ना एमएससी में आती है, तो उस पैकेजों का लाभ नहीं मिल पाता है। तो आप एक फिल्म उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में, तो क्या कोई ऐसा पैकेज की मांग आप करेंगे सरकार से? इस दृष्टि से मैं अभी नहीं सोच पाया हूं, अगर आपके तरफ से कुछ कोई प्रस्ताव आए तो मैं निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है भैया, तो ये खेसाली जी है ना, खेसाली लाल जी यादव जी ने भोजपुरी सुपरस्टार, कल उनसे मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बोला कि भैया मेरे तरफ से मनोज भैया से एक सवाल पूछिएगा कि कलाकारों के लिए भी कोई, क्योंकि वो लोग तो मानिए सुपरस्टार हैं, वो लोग इस दर्द को झेल जाएंगे, लेकिन जो बाकी छोटे कलाकार हैं पूरे फिल्म उद्योग में और लाखों लोग का करोड़ों लोग का परिवार चलता है, तो उसके लिए तो निश्चित ही मैं लोग कलाकारों से बातचीत करके और आपके पास कोई प्रस्ताव होगा तो बोलूंगा। भैया मनोज तिवारी जी खुद को किस रूप में याद रखा जाना चाहते हैं, एक राजनेता के रूप में एक कलाकार के रूप में? मैं ये तो समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे एक गायक के रूप में याद रखा जाए। बहुत बढ़िया, गायकी आपका सबसे पहला प्रेम, वो याद रहेगा लोगों को। ओ जिया हो बिहार के लाला, बहुत बढ़िया। जिया तू हजार साला, हर जिया हो यूपी के बाला, जिया 10,000 साला, जिया तू हजार तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा, ये भैया 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 यही गाने पर से अपने माटी के मान बढ़ावा, ये भैया तनी जान जला के गीत कते रपियावा, ये भैया भोजपुरी माई के मान गगन लहरावा, ये भैया वाह। भैया तो इसी गाने से एक प्रश्न मेरा जुड़ा है कि आपने एक गाना गाया जियो हो बिहार के लाला और गैंग ऑफ वासेपुर फिल्म में, और ये गाना भोजपुरी और बिहार का एक ऐसा गाना हो गया जो देश में नेशनल एंथम की तरह बजने लगा, पूरे विश्व में कहीं भी अगर भोजपुरी की बात की जाती है या प्रांतीय सभ्यता संस्कृति की तो इस तरह के गानों का होता है। तो मनोज तिवारी साल में एक बड़ा एल्बम इस तरह का क्यों नहीं लाते हैं, या कोई एक ऐसा गाना, उनके प्रशंसक जो हैं वो कहीं ना कहीं उसके इंतजार में रहते हैं, तो वो जानकारी चाहिए थी। हाँ अभी होली का एक गाना तो गाया था मैंने। हाँ गाए थे, लेकिन भैया एक लाल जैसे स्केल पर जैसे इस तरह का गाना जो मतलब समसामयिक विषय को लेके हो, इस तरह का कमर्शियलाइज गाना, वो गाना आपको गाना चाहिए जितना आपकी फैन फॉलोइंग है, या आपके भी आपने ही बताया कि गायकी आपके दिल के करीब है तो उस हिसाब से ठीक है, इस एक महीना में देते हैं आपकी बात से। आज तारीख है 22 जी भैया, और 22 जून के पहले मेरा गाना रिलीज करूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया, आज मैं अपने आपकी बात से बिल्कुल मुझे लगा बिल्कुल। और देखो गायक नेता सब कुछ ठीक है, एक सुलझे हुए इंसान की तरह भी लोग याद रखे, वो तो भैया आपको लोग एनीवेज याद रखेंगे, उसमें क्या है भैया आपके दिल के सबसे करीब क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा मतलब अपने पारिवारिक सदस्य जो दिल के सबसे करीब हो आपके? अब देखिए मेरी माँ है जी भैया, मेरी बेटी है जी,
और मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो निस्वार्थ मेरे से उनका रिलेशन है, जी भैया, जो हमारे एक और कैटेगरी है। जैसे हम सिनेमा में हैं तो हमारे जो छोटे भाई लोग हैं, जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं, कई लोग उनमें बहुत अच्छा वो सपोर्ट करते हैं, अभी भी हमारी अनुपस्थिति में उपस्थिति बना के रखते हैं। जी वो सब लोग मेरे दिल के करीब है। या मैं राजनीति में हूं तो कई लोग जो हमें राजनीति में तो एक दूसरे को बहुत कम सपोर्ट होता है ना, तो जी वैसे जी लोग भैया भी सपोर्ट करते हैं। एक बड़ी फेरिस्त है, और मैं सच ओके बताऊं प्रशांत बाबू, तो मैंने जीवन में 48 साल क्रॉस हो गया, 49वें में हूं, जी भैया तो मैं इस समय में मैंने ऐसा महसूस किया है कि जो दिल के करीब लोग होते हैं ना, उनको शब्दों से बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ भैया, ये बात आपने ला सकें, वो बिना बिल्कुल तार का तार है। तो जी जी प्रशांत भी इतने समय के बाद अगर कहता है कि भैया मुझे बहुत कुछ मिला है, तो वो वाइब्रेशन हमारे बिल्कुल पास बिल्कुल पहुंचती है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप कितने भी बड़े हो जाओगे, मुझे लगा हाँ ये प्रसंतवा मुनि के प्यारो बिल्कुल बिल्कुल भैया, भाई है अपना, याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। वर्तमान समय में जो भोजपुरी, ये लास्ट ही सवाल है भैया, वर्तमान समय में जिन नायकों के ऊपर भोजपुरी का भार है, वो सितारे क्या अपना उत्तरदायित्व सही ढंग से निभा रहे हैं? ये प्रश्न खुद इसलिए कर रहा हूँ आपसे क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से 2-4 हजार, 10 हजार लोग नहीं जुड़े हैं। आज के डेट में लाखों लोगों का व्यवसाय इससे चल रहा है, लाखों लोगों का रोजगार चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, वो लोग अपना उत्तरदायित्व सही ढंग से निभा रहे हैं, जो नायक नायिकाएं हैं दोनों? देखिए वो लोग अपना अपना दायित्व तो अच्छे से ही निभा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे जो दूर से दिखाई देता है, उनके दिलों में दूरियां हैं, उसको जी थोड़ी करीबी होनी चाहिए। अपना ओके प्रोफेशन जैसा भी हो, तो मुझे रवि किशन जी के सामने बहुत भेद करके दिखाने की कोशिश लोग करते थे, लेकिन मैं जिस दिन थोड़ा सा सक्षम हुआ तो मैंने पहला व्यक्ति किसी को खींचा अपने साथ, तो रवि किशन को ही खींचा। तो दिखावे के लिए प्रतिद्वंदिता वो एक अलग बात है, दिल में भाव रहना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री चलेगी तो बहुत मनोज तिवारी, बहुत दिनेश लाल यादव, बहुत पवन सिंह, बहुत खेसारी लाल यादव आएंगे, बहुत क्या रिंकू बात है पांडे भैया, आएंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया भैया। भैया कुछ लोग लिख रहे हैं, वो रिंकिया के पापा गाना सुनना चाहते हैं आपसे, उसको, उस गाने को विदेश। चपड़ेली खींच के तमाचाई हंस दे, रिंकिया के पापा ही हंस दे, सुनीला की मर्द के ना नाम लिहल जाला, उनके बिना नाव लिहल कुछ ना कहाला, नाव लेके कहे लिग जाए दो जरा सा ही हंस दे, रिंकिया के पापा ही। अच्छा मैंने अभी अभी हनुमान चालीसा गाया है। हाँ भैया, आपने मुझे सुनाया था वो, हम लोग जब मिले थे BIPL में लखनऊ में, तो आपने सुनाया था मुझे। हाँ, काफी बेहतरीन मिथिला था भैया, हनुमान चालीसा के बारे में भी एक बार सब लोग सुन लेना, मनोज तिवारी हनुमान बिल्कुल चालीसा, और मैंने बिल्कुल। थोड़ा नए अंदाज में गाया है, बहुत अच्छा है। टीम फिल्म से आया है ना भैया वो? जी हाँ टीम फिल्म से भैया, सुनाइए अगर 2-4 लाइन अगर आप चाहें तो लोगों। नहीं, अब उसको तो सुन नहीं दो। हाँ ठीक है, श्री लोग वत्स सुन। धरो जरजनी जमन मुकुर सुधार, वरुण रघुबर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिक सुवीरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, सियावर नाम रामचंद्र अच्छा, की। जय सब लोग भगवान देखिए भैया गाना भैया। जय कपीश तिहु लोक उजाग, थोड़ा सा फास्ट गाया।
बहुत बढ़िया भैया, मैंने सुना है भैया बहुत बढ़िया है, नया ढंग का है, बहुत अच्छा है। तो वो लिंक लोग, आप लोग टीम फिल्म्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइए और ये भैया का गाना सुनिए। एक आदमी पूछ रहा है भैया दिल्ली में हो कि बिहार में? अरे भैया मैं इस समय दिल्ली में हूँ और बिहार में मेरी माँ है और बिल्कुल बॉम्बे में मेरी बेटी है, हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया अपना कीमती समय देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन, लाइव सेशन पसंद आया होगा और हम लोगों ने भोजपुरी सिनेमा पर धन्यवाद कुछ सबको, प्रणाम। कोई छोटी नाम मोटी भैया, गलती हो जाए तो माफ कर अरे भैया नहीं नहीं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू भैया। तो ये थे मनोज तिवारी भैया, और मनोज तिवारी भैया से हम लोगों ने काफी बातचीत की और काफी सार्थक बातचीत हुई इनसे और काफी अच्छा लगा। मनोज भैया आज कितने भी ऊंचाई पर चले जाएं लेकिन आज भी भोजपुरी उनका पहला प्रेम है, गायकी उनका पहला प्रेम है, और राजनीति के कितने भी उच्च स्थान पर चले जाएं भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी कलाकारों से उनका प्रेम एकदम सर्वविदित है। और मनोज भैया से ढेर सारी चर्चा हुई, वो कलाकारों के लिए क्या पैकेज हो सकता है, भोजपुरी सिनेमा का क्या उत्थान हो सकता है, ये सब चीजों पर काफी बातचीत हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये सेशन काफी पसंद आया होगा। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए भोजपुरी की बात निशांत के साथ, एक से एक भोजपुरी के तमाम बड़े सितारे, कलाकार, निर्माता, निर्देशक, अभिनेत्रियों के साथ हम ये चर्चा करते रहेंगे। और आप लोगों को जो भी इसमें अच्छा लगे बुरा लगे वो हमें कॉमेंट बॉक्स में या DM करके बताइए, आप लोग की सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, नमस्कार।